सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेकर आए हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से फुल्ली डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप पीएम किशन खुद से अपने मोबाइल से अप्लाई किए थे तो उसको कैसे आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे अपने मोबाइल से, तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मेरे चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं, तो अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो देखिए, मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो पीएम किचन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं सर्च कर दूंगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उधर क्लिक करके आप डायरेक्ट पीएम किचन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आ सकते हैं। तो देखिए, यही है पीएम किचन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर आपको दिख रहा होगा फार्मा कॉर्नर्स। तो फार्मा कॉर्नर्स पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देखिए, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप पीएम किशन में आपका नाम रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते आपको ऐसे की इंटरफेस मिल जाएगा। फिर इधर आप देख सकते हैं आधार नंबर और कैप्चा को पुट करके आप देख सकते हैं कि आपका जो आधार नंबर है वो ऑलरेडी पीएम किशन के साथ लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो आप फिर से अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए, स्टेटस को कैसे चेक किया जाते हैं। देखिए, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर और सीएससी फॉर्मर। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको ऐसे की इंटरफेस आ जाएगा। फिर इधर आपको क्या करना है, आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर इधर टाइप कर दीजिए। तो देखिए, मैंने आधार नंबर टाइप कर दिया। फिर जो कैप्सा है, कैप्सा को इधर टाइप करके इसमें सर्च कर देना है। तो देखिए, मैंने कैप्सा को टाइप कर रहा हूँ। अगर कैप्सा समझ में ना आए तो इसको रिफ्रेश करके दूसरा कैप्सा भी ला सकते हैं। तो देखिए, मैंने टाइप करके सर्च कर दिया। सर्च करते हैं, देखिए इधर सब कुछ डिटेल्स आपको शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसको अप्लाई किया था। तो देखिए, इसमें सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए, नेम है, फिर फार्मर का जो फादर नेम है वो भी आपको शो हो रहा है। फिर अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, फिर अकाउंट नंबर क्या है, मतलब सब कुछ आपको इधर शो हो जाएगा। आधार नंबर भी इधर शो हो जाएगा। फिर आपका विलेज कौन सा IFSC कोड है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका टाउन है तो टाउन, या तो मतलब जो भी विलेज है विलेज का नेम इधर शो हो जाएगा। फिर कितना तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो रिमार्क में आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन है स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया या नहीं, मतलब वो आप देख सकते हैं, या पेंडिंग में है वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके आपका जो स्टेटस है वो स्टेटस को भी आप चेक कर पाएंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जाके देखते हैं जो CSC ID है, CSC ID से आप कैसे लॉगिन करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं CSC लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करते हैं, लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इधर लॉगिन किया हुआ है। तो देखिए, इधर आपको क्या हो रहा है, द फ्रेश फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेश फार्मर रजिस्ट्रेशन में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसे एक फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो इधर सब कुछ डिटेल्स दे के आप पीएम किसान सम्मान निधि पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर पे 4-5 आधार कार्ड है तो उस सभी आधार कार्ड में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ही आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके आपका जो स्टेटस है स्टेटस को चेक करके देखिए। तो अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे करके इसको अप्लाई करें तो मैं वीडियो एक लेके आऊँगा, तो उसको देखे आप मोबाइल से ही पीएम किसान सम्मान निधि पे अप्लाई कीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।